मेरा ओम प्रकाश नाम है, मैडम इनका उपाध्यक्ष। आज जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। वजह यह है कि जो है एक तारीख को जो है 24 चौराहे पर पुलिस प्रशासन द्वारा जो है 9 गाड़ियां जो है जबरदस्ती गाली गलौज करते हुए उनको जो है पकड़ के बंद कर दिया गया और उसको जो वहाँ पर सीज कर दिया कोर्ट वाले। जब हम लोग गए तो उन्होंने गाड़ियों तो छोड़ दी और हमें ये आश्वासन दिया कि हम चालान भी आपके निरस्त करा देंगे, है ना। लेकिन कोई भी किसी प्रकार का चालान निरस्त नहीं हुआ। हम उच्च अधिकारी से भी मिले, जहाँ पे जो है एसपी यातायात जो महोदय है उनसे भी मिले। उनके बाद जो है हमने देखा 10 मिनट के बाद हमारे मोबाइल पर मैसेज आ गया कि 15,000 का चालान जो है ACGM कोर्ट बरेली में जो है भेज दिए गए। तो आज इसी विषय को लेकर हम जिलाधिकारी महोदय से हमने जो है अपना ज्ञापन दिया है। हमने मांग की है कि जो है एक तरफ तो जो है सरकार जो है मोदी योगी की सरकार जो है ऑटो वालों को टुक टुक वालों को जो है आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, सेल्फ डिपेंड करने की बात करती है। ऊपर से जो है हम जब जो है ऑटो लेके जो है या टुक टुक लेके सड़क पर चला रहे हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, तो ये पुलिस प्रशासन 15,000 का हमारा चालान कर रही है। मतलब सिटी परमिट होने के बाद, कागज पूरे होने के बाद 15,000 का उन्होंने चालान किया, जो अपने आप में गलत है। हमने मांग की है ऐसे जो है पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो है सख्त से कानूनी कार्रवाई की जाए।